हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में। कल मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर करा था वो दोपहर तक का था। अब ये मैंने रात को जो डिनर बनाया था वो मैं आपको डाल रही हूँ इसमें। ये मैंने पालक की सब्जी बनाई हुई है। ये पालक को उबाल कर मैंने उसको पीसा है और उसको काली मिर्च और नमक डाल के बस उसको, और उसमें देसी घी और पनीर डालकर ये मैं खाऊंगी इसे। ये मेरा डिनर है, तो इसी तरीके से आपको बनाना है। आप चाहो तो कच्चा पालक छोंक भी सकते हो, जो ऐसा मैंने आपको बताया था, लेकिन मुझे पिसा हुआ ज़्यादा पसंद है। तो मैं ऐसे, और मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है 2 चम्मच, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो डाइट है इसमें फैट टू फैट बर्न होता है। तो फैट जितना आप ज़्यादा खा सकते हो आपको उतना ही खाना है, और ऑलिव ऑयल वगैरह आपको ज़रूर लेना है, जिससे आपके जितनी भी पौष्टिकता वगैरह है वो सब बनी रहे। तो और पनीर आप 100 ग्राम खा सकते हो। पनीर आप चाहो तो अलग से भी खा सकते हो, चाहो तो जैसे मैं पालक में डाल के खा रही हूँ आप वैसे भी खा सकते हो। और आपने देसी घी भी ज़रूर डालना है, क्योंकि रात को जो आप मील लेते हो उसमें आपको देसी घी ज़रूर खाना है 2 चम्मच। और अगर आप इससे का आपसे को ये कि खाने से आपका पेट नहीं भरता है, तो आप इसके साथ थोड़ा सा सलाद भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिया हुआ है। मैंने पत्ता गोभी ली है, गाजर है इसमें, और एक थोड़ी सी शिमला मिर्च भी कटी हुई है। ये मेरा डिनर है और बहुत सफिशेंट है मेरे लिए। सुबह मॉर्निंग में देखो 8 बजे मैंने लिया है, ये थोड़े से नट्स हैं, इसमें बादाम है, अखरोट है, और ये आपका फ्लैक्स सीड है, और ये मेरा एप्पल विनेगर है जो मैंने घुंघने पानी में लिया हुआ है। अब मैं इसको धीरे धीरे पीऊँगी और इसे खाऊँगी। मैंने आपको बताया है कि ये मेरा सेकेंड डे है आज। तो आज अब ये जो मैं दोबारा ले रही हूँ, ये मैंने हल्दी वाली चाय बनाई है अपने लिए। इसमें मैंने कच्ची हल्दी, अदरक और काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा दालचीनी डाल के ये मैंने अपने लिए चाय बनाई है। ये अब मैं पीऊँगी। इसको येलो टी भी बोलते हैं। और ये कैसे बनाई जाती है मैं इसकी रेसिपी आपको ज़रूर भेज, येलो टी कैसे बनती है मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये मैंने अपने दोपहर का लंच तैयार कर रही हूँ, लंच कह सकते हो या ब्रेकफास्ट कह सकते हो, क्योंकि मैंने आज एग नहीं खाना है, आज थर्सडे है, तो इसलिए मैंने ये अपनी सब्जियाँ काट के रखी हुई हैं। इसमें शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, गाजर है और हरी प्याज भी है। उसको थोड़े से तेल में इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी तो ये पानी ज़्यादा वो करेगी। तो इसमें थोड़ा सा नमक डालकर अब इसको मैं सिर्फ फ्राई कर लूँगी, इसमें ज़्यादा मसाले कुछ नहीं ऐड करना है। और इसमें आप काली मिर्च पाउडर डालोगे और बस इसको फिर इसी तरीके से फ्राई करना है, और ज़्यादा पूरी तरीके से फ्राई भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा गल जाए। इसको आप थोड़ा कच्चा कच्चा सा ही खाओगे, और इसमें ऑलिव ऑयल वगैरह डाल के इसी से खाना है। ब्रेकफास्ट है, और अब इसके साथ मैं ये मैंने 2 चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल डाला है, और अब मैं इसके साथ 1 कप, ये जब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी इसके बाद मैं 1 कप ब्लेंड कॉफ़ी लूँगी, जो मैंने आपको बताई थी वो किस तरीके से बनाई जाती है, तो वो कॉफ़ी मैं इसको खाने के बाद और लूँगी। करीब बहुत, आप अभी नई नई डाइट शुरू कर रहे हो तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, तो आप अपने लिए पीनट्स मंगा के रख सकते हो, उनको इस तरीके से फ्राई करना है। और ये जो पीनट्स फ्राई करने हैं आपने ये देसी घी में करने हैं, नहीं तो आप ऑलिव ऑयल में भी कर सकते हो और गोले के तेल में भी कर सकते हो, यानी कोकोनट ऑयल में भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये पीनट फ्राई करके रख लेने हैं कि जब भी आपको भूख लगे तो आप 1 मुट्ठी पीनट्स खा लो, और ज़्यादा है तो आप पीनट्स में खीरा भी डाल के खा सकते हो। खीरा और शिमला मिर्च और पत्ता गोभी वगैरह डाल के भी आप इसको पीनट्स खा सकते हो। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं जब जरूर